Subscribe to my channel and press the bell icon so you never miss any update. तीन दिसंबर 2019 नासा की वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसका टाइटल था विक्रम लैंडर फाउंड। इस आर्टिकल में नासा ने इसरो के चंद्रयान 2 मिशन की सफलता को अमेजिंग अचीवमेंट बताया और इस मिशन की तारीफ भी की। आपको बता दें कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने 22 जुलाई 2019 को अपना दूसरा मून एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम यानी चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 के तीन भाग थे, पहला था ल्यूनर ऑर्बिटर, दूसरा था विक्रम लैंडर और तीसरा भाग था प्रज्ञान रोवर। ये तीनों ही चीजें भारत में ही डेवलप की गई थीं, यानी कि यह मिशन पूरी तरह से स्वदेशी मिशन था, लेकिन विदेशी आंखें इस पर पूरी तरह से टिकी हुई थीं। यह मिशन चांद के साउथ पोल को स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया था। ल्यूनर ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक चांद के ऑर्बिट में डाल दिया गया और यही इस मिशन का अहम भाग था। 7 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर लैंड करना था, लेकिन किसी कारणवश यह लैंडिंग एक सफल लैंडिंग न हो सकी। इसरो का संपर्क विक्रम लैंडर से टूट गया। बाद में अनेकों कोशिशें की गईं विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की, लेकिन कामयाबी हाथ न लगी। संपर्क होता भी कैसे, लैंडर तो चांद से टकराते ही टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया था। सितंबर 10, 2019 इसरो की वेबसाइट पर यह अपडेट आया कि विक्रम लैंडर को स्पॉट कर लिया गया है चंद्रयान 2 ऑर्बिटर द्वारा। उससे संपर्क करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन फिलहाल कोई संपर्क नहीं हो पाया है। यहां इसरो ने ना तो कोई तस्वीर जारी की और ना ही कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन दी गई। इसके कुछ दिनों बाद नासा का ल्यूनर रेकनेसेंस ऑर्बिटर विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट के ऊपर से होकर गुजरा और उसने पूरी लैंडिंग साइट का मुआयना किया। हालांकि तब नासा को विक्रम लैंडर के वहां होने का कोई संकेत नहीं मिला। एलआरओ ने लैंडिंग साइट का एक मोजैक इमेज बनाया। मोजैक इमेज उसे कहते हैं जब किसी बड़े एरिया को अलग अलग तस्वीरों में कैद कर लिया जाता है और फिर उन तस्वीरों को जोड़कर उस बड़े एरिया की फाइनल इमेज तैयार की जाती है। एलआरओ के मोजैक को 26 सितंबर को पब्लिकली रिलीज कर दिया गया था। एलआरओ के इस डेटा को पूरे विश्व में बहुत से लोगों ने डाउनलोड किया ताकि विक्रम लैंडर के संकेतों का पता लगाया जा सके। शनमुग सुब्रमण्यन, ये नाम नासा ने अपने आर्टिकल में मेंशन किया है। आपको यह जानकर प्राउड फील होगा कि एक भारतीय ने ही विक्रम लैंडर के पॉजिटिव संकेतों को सबसे पहले ढूंढ निकाला है और उन्हीं का नाम है शनमुग सुब्रमण्यन। ये चेन्नई के एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इन्होंने ही एलआरओ के डेटा को डाउनलोड किया था। लैंडिंग से पहले और बाद की तस्वीरों के गहन अध्ययन के बाद उन्होंने चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के कुछ टुकड़ों को खोज निकाला। अपने पॉइंट्स को सामने रखते हुए उन्होंने नासा को कई ट्वीट्स और मेल्स किए। सही संकेत मिलते ही नासा की एलआरओ टीम इसकी कन्फर्मेशन में जुट गई। एलआरओ की पहले की मोजैक इमेजेस कुछ खास नहीं थीं, क्योंकि वो मोजैक इमेजेस काफी धुंधली थीं, जिनमें कुछ पहचान पाना आसान नहीं था। उसके बाद 14 और 15 अक्टूबर को ली गई मोजैक इमेजेस को स्टडी किया गया और 11 नवंबर की मोजैक इमेजेस एलआरओ की सबसे बेहतरीन इमेजेस थीं, जिनमें विक्रम लैंडर पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। नासा ने ट्वीट करते हुए ये इमेज जारी की, जिसमें हरे और नीले रंग के कुछ बिंदु दिखाई दे रहे हैं। हरे बिंदु विक्रम लैंडर के टुकड़ों को दर्शा रहे हैं और नीले बिंदु विक्रम लैंडर के इम्पैक्ट से डिस्टर्ब हुई चांद की मिट्टी को दर्शा रहे हैं। विक्रम लैंडर की इम्पैक्ट साइट से थोड़ी दूर एक हरा बिंदु है, जिसे एक एरो और एस अक्षर से डिनोट किया गया है। यही विक्रम लैंडर का वो टुकड़ा है जिसे शनमुग सुब्रमण्यन ने खोज निकाला है। नासा ने शनमुग को उनकी इस खोज के लिए पूरा क्रेडिट दिया है और उनका धन्यवाद भी किया है। शनमुग द्वारा खोजा गया मलबा मेन इम्पैक्ट साइट से 750 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में मिला, जो कि मोजैक के एक सिंगल ब्राइट पिक्सल में दिखाई दे रहा था। नासा की तस्वीर जारी करने के बाद इसरो चीफ के शिवन ने कहा कि चंद्रयान 2 के ल्यूनर ऑर्बिटर ने लैंडर पहले ही खोज लिया था, लेकिन उसे पब्लिक नहीं किया गया।
मेरे हिसाब से चंद्रयान 2 के कुछ डेटा को इसरो को भी पब्लिक कर देना चाहिए, ताकि इसका इस्तेमाल कॉलेज लेवल की रिसर्च में भी किया जा सके। आखिर विक्रम लैंडर भी तो एलआरओ के पब्लिक डेटा से ही मिल पाया, जो कि नासा का प्रोडक्ट है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का गाया मिशन, जो कि पूरी मिल्की वे का 3D मैप बना रहा है, उसका डेटा भी रिसर्च के लिए पब्लिक रखा गया है, जहां से आप नई नई खोजें कर सकते हैं। कोई भी इसके डेटा को एक्सेस कर सकता है और पॉसिबल डिस्कवरी भी कर सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ल्यूनर ऑर्बिटर का डेटा पब्लिक होना चाहिए या नहीं? और आप में से कौन कौन आगे एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में काम करना चाहता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।